नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सौरभ सक्सेना। हाथरस में जयंत चौधरी पर पड़ी लाठी, क्या आरएलडी की पुरानी चौधराहट को वापस लौटा पाएगी? जी हां, मिशन दो उपचुनाव और जो 2022 है उसके लिए आरएलडी एक्शन में है। बुलंदशहर उपचुनाव में आरएलडी ने अपना प्रत्याशी भी उतारा है, हालांकि सपा के प्रदर्शन सपा के साथ से। हाथरस के बहाने जाटों को एकजुट करने में जुटी है आरएलडी, कोई विरासत हासिल करने में जुटे हैं आरएलडी नेता जयंत चौधरी। मुजफ्फरनगर और मथुरा में महापंचायत भी कर चुके हैं जयंत चौधरी। जी हां, आपको बता दें बुलंदशहर उपचुनाव में आरएलडी ने सपा के समर्थन से अपना प्रत्याशी भी मैदान में उतारा है। उपचुनाव में 6 सीटों पे आरएलडी सपा उम्मीदवार को समर्थन कर रही है। देखिए, हाथरस में लाठीचार्ज के बाद मूड बदल चुके हैं जयंत चौधरी। तो कुल मिला के कहा जाए तो हाथरस में जब पीड़ित परिवार से मिलने जयंत चौधरी जा रहे थे और उस वक्त उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, अब उसी के सहारे अपनी नई राजनीति की लकीर खींचने की कोशिश जयंत चौधरी कर रहे हैं। देखिए, उपचुनाव के मैदान में भी जयंत चौधरी ताल ठोक रहे हैं, आरएलडी ताल ठोक रही है। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। जब जयंत चौधरी हाथरस पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे, इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इसके बाद आरएलडी अलग अलग शहरों में महापंचायत कर रही है। देखिए, माना जा रहा है कि हाथरस में जयंत चौधरी पर पुलिसिया लाठीचार्ज को लेकर वेस्ट उत्तर प्रदेश में जो जाट समुदाय है वो नाराज है। जयंत चौधरी और उनकी पार्टी इसे लेकर सहानुभूति देखी जा रही है और उसी सहानुभूति से नई राजनीतिक लकीर खींचने की कोशिश आरएलडी और जयंत चौधरी कर रहे हैं। महापंचायत की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आरएलडी की महापंचायतों में जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो भी उमड़ रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक लाठीचार्ज की, जब हाथरस जा रहे थे जयंत चौधरी उस वक्त उन पर लाठीचार्ज किया गया, तमाम कार्यकर्ताओं को चोट आई और उसके बाद आरएलडी ने उसे भुनाने की कोशिश की। अलग अलग शहरों में महापंचायत की जा रही है। देखिए, ऐसे में सवाल यही उठता है, जयंत चौधरी क्या अपनी जो खोई हुई विरासत है उसको हासिल कर पाएंगे? क्या हाथरस में पड़ी लाठी पुरानी चौधराहट वापस ला पाएगी? बड़ा सवाल, क्या किसान स्वाभिमान लोकतंत्र बचाओ रैली संजीवनी बन पाएगी आरएलडी के लिए? देखिए, रालोद सहित सपा इनेलो और अकाली दल की राह होगी आसान? जयंत का अखिलेश यादव को नेता मान लेना, क्या जाट इसे स्वीकार कर पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है। क्या कृषि कानून पर पंजाब हरियाणा की तर्ज पर यूपी में भी विरोध होगा? यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके का विरोध अभी पंजाब और हरियाणा में देखा जा रहा है, कम से कम उत्तर प्रदेश में वो जोरदार प्रदर्शन नहीं है। पंजाब और हरियाणा के बड़े जाट नेताओं अमरिंदर बराल और अभय चौटाला की क्या अनदेखी की जा रही है? क्या सपा के धर्मेंद्र यादव को जयंत ज्यादा तरजीह दे रहे हैं? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। और इन्हीं तमाम बड़े सवालों के साथ तमाम जो नेता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सवाल देखिए यही है, जयंत चौधरी कैसे हासिल करेंगे खोई विरासत, सबसे बड़ा सवाल। और यह भी, क्या हाथरस में पड़ी लाठी जयंत चौधरी को जो पुरानी जो उनकी चौधराहट है वो लौटा पाएगी? और इन तमाम सवालों के साथ हमारे साथ तमाम जो गेस्ट हैं वो भी जुड़ेंगे। और सवाल यही होगा, क्या आने वाला वक्त आरएलडी के लिए अच्छा हो सकता है? क्या जयंत चौधरी पर लाठी चार्ज बीजेपी सरकार पर भारी पड़ सकती है? देखिए, बहुत बड़ा सवाल यह भी है, क्या किसान स्वाभिमान लोकतंत्र बचाओ रैली आरएलडी के लिए संजीवनी का काम कर पाएगी?
और सवाल ये भी उठता है क्या जयंत अखिलेश यादव को नेता मान लेगी। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से नरेश वशिष्ठ हमारे साथ हैं, इंद्रजीत सिंह आरएलडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वही भीम आर्मी नेता सतपाल चौधरी भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ आरएलडी नेता इंद्रजीत सिंह भी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंद्रजीत जी, लाठी पड़ने के बाद आप लोगों ने उसे एक पॉलिटिकल मुद्दा बना लिया है, शहर शहर महापंचायत की जा रही है, क्या फायदा होगा आरएलडी को? देखिए, पैसा और नफा नुकसान तो ये बहुत बात की बातें हैं। किसी भी संविधान में, किसी भी लोकतांत्रिक प्रदेश में, ये देश में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप किसी के ऊपर अगर दुख दर्द जानने के लिए किसी परिवार में जा रहे हैं तो उसके ऊपर आप लाठी भाज देंगे। ये लोकतांत्रिक तरीके में कौन सी किताब में लिखा है? मैं तो पिछले 26 साल में नहीं समझ पाया हूं। ये अत्याचार, जिस तरीके से सरकार दमनकारी नीति कि आप विपक्ष का नेता जाएगा हालचाल पता करने के लिए और उसके ऊपर लाठी डंडों से वार करेंगे, क्या वो अपराधी देंगे जयंत चौधरी? जयंत चौधरी एक बात बताइए इंद्रजीत जी, अगर आपको पीड़ित परिवार से मिलना था तो आपके नेता अकेले भी जा सकते थे, अगर आपको पीड़ित परिवार से मिलना था तो आपके नेता अकेले भी जा सकते थे, माहौल बनाने की क्या जरूरत थी सर? नहीं नहीं, देखिए देखिए, बात यह है, आप बीजेपी की भाषा मत कहिए मेरे भाई मेरे, आप 5 या 6 लोगों के साथ जा रहे हैं, आपके पास 50 तरीके हैं रोकने के, समझाने के, ये लाठी का तरीका कौन सा है? और वो भी वो आदमी जो इनोसेंट हो गए, बिल्कुल बाइट मेल रहा है, आप जैसा मेरा को सम्मानित भाई पूछ रहा था परिवार के बारे में, आप मिल के आए हो या मिलने जा रहे हो तो आप किस नीति के तहत आए हो, और उनका ध्यान कहीं और था और पीछे से आके आप लाठी मार देंगे? अरे मैं शाबाश दूंगा राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जिन्होंने ढाल बनकर लाठियां खाई, अगर वो कमजोर लक्ष्य होता वो लाठी से डर के भाग जाता। बिल्कुल, आप हमारे साथ भी बने रहिए, बीजेपी से हमारे साथ भी नेता जुड़े हुए हैं नरेश वशिष्ठ जी। नरेश जी, जो हादसे में आरएलडी पे जिस तरीके का लाठी चार्ज हुआ, आने वाले वक्त में भारी पड़ सकता है आपको, क्या कहेंगे? देखिए सौरभ जी, मुझे आरएलडी नेता की आवाज नहीं आ रही तो मुझे नहीं पता लग पाया कि वो क्या बोल रहे थे, बट इस विषय में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि क्या आरएलडी अपनी खोई हुई जमीन वापस ले सकता है, तो सौरभ जी देखिए, खोई हुई जमीन को वापस लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये देखिए आरएलडी के नेता हैं, ये कहते हैं कि हम किसानों की राजनीति करते हैं, जाटों की राजनीति करते हैं, बट ड्राइंग रूम में बैठ के करते हैं। देखिए, जाट और किसान बहुत मेहनत करता है, तपती 48 डिग्री टेम्परेचर पे वो अपने खेतों में काम करता है, सुबह 4 बजे उठ जाता है और रात में देर रात सोता है। तो मैं अपने आरएलडी के नेता को ये बोलना चाहूंगा कि भैया, अगर आपको ये लड़ाई लड़नी है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अब रही बात हाथरस की और जो अभी रैली कर रहे हैं उसकी, तो देखिए, अगर आपको पीड़ित परिवार से मिलने जाना था तो आप 2 या 3 या 4 लोग चले जाते हैं उनके साथ संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए, इतना हुजूम ले जाने की जरूरत क्या थी? दूसरा, आपको आपको पता होगा कि सर, आप कितनी भी दलीलें गिना लीजिए लेकिन लाठी चार्ज आप पे भारी पड़ सकता है। देखिए बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी से जो प्रवक्ता है कपीश श्रीवास्तव वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपीश जी, देखिए आप लोगों ने जयंत चौधरी की पार्टी से गठबंधन भी कर लिया है उपचुनाव को लेके, लेकिन सवाल सर यही है, क्या जयंत का अखिलेश को नेता मान लेना स्वीकार करेंगे जाट? आपकी आवाज क्लियर नहीं है, एक बार फिर से पूछ लीजिए। जयंत चौधरी से आपकी जो, जयंत चौधरी की जो पार्टी आरएलडी आपका गठबंधन हो चुका है उससे, एक सीट पे आपने उन्हें दे भी दिया, उपचुनाव भी लड़ रही है आपके साथ, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जयंत का अखिलेश को नेता मान लेना जाट स्वीकार करेंगे? नहीं, अखिलेश जी और इन लोगों के आपस में नेता मान लेना क्या, सभी नेता है और गठबंधन जब होता है तो कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, अगर अलग अलग पार्टी है तो इसमें ये तो मान के चलिए ना कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि आप नहीं जा पाए, आपके नेता अखिलेश यादव नहीं जा पाए लेकिन जयंत चौधरी गए लाठी खाई, इसीलिए अब आपने उनको साथ ले लिया? नहीं नहीं, इससे हम मतलब ही नहीं है, इससे पूर्व भी हम लोगों ने लोकसभा चुनाव साथ में लड़ा है और हम लोगों ने स्पष्ट पहले भी कहा कि जो भी हम लोग का होगा हम लोग सीटों के मैनेजमेंट पे चलेंगे, आगे की भी जो चुनाव होगी ये स्पष्ट हमारी पार्टी ने रुख बताया है और ये भी कहा है कि हम बड़े किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे।
लेकिन हम सीटों का एडजस्टमेंट करेंगे और वो सीटों का एडजस्टमेंट हमारा आने वाले विधानसभा के जो चुनाव है 2022 के उसमें भी होंगे। बिल्कुल, हमारे साथ सतपाल चौधरी भी जी भी जुड़े हुए हैं, तो सतपाल जी ये बताइए आपको क्या लगता है, हाथ से पड़ी लाठी पुरानी चौधराहट वापस लौटा पाएगी जैन चौधरी को? ये तो आगे क्या क्या जैन चौधरी जी और लोकदल के लोग किस तरह से मेहनत करेंगे, क्षेत्र में जाएंगे, लोगों के बीच में बैठेंगे, ये तो उस पर निर्भर करता है। लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है आजाद समाज पार्टी का, अभिमानी भाई चंद्रशेखर आजाद ने हाथरस की घटना को जिस शिद्दत के साथ उठाया, सबसे पहले वो अलीगढ़ पहुंचे हॉस्पिटल में और पुलिस के रोकने के बावजूद पहुंचे, पैदल चलना पड़ा उन्हें 2 किलोमीटर, मोटरसाइकिल पर जाना पड़ा 60 किलोमीटर, लेकिन वो बहन से मिलने उसी वार्ड में दाखिल हुए, वहां मिलकर आए पुलिस के किलेबंदी के बावजूद। और हम और सबसे पहले जब उसी दिन हम लोग भी गए थे भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, जिस दिन राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी जी पर लाठी चार्ज हुआ, और क्योंकि हमारे साथ संगठन थी, ताकत थी, और पुलिस ने 10 जगह हमें रोका, लेकिन जब उन्होंने देखा कि 10,000 लोग हैं, ये जो नरेश जी अभी कह रहे थे जुम ले जाने की, हम लोग 10,000 लोग थे, 10,000 लोग थे जिन्हें वहाँ राशनी पर रोका गया, मिलने जा रहे थे राशनी पर रोका गया, परिवार से मिलने जा रहे थे, पीड़िता के साथ जो हैवानियत हुई वो जनाक्रोश था, और वहां से पुलिस की पुलिस पायलट करके ले गई। ये यदि ताकत जयंत चौधरी के साथ होती है, जो कह रहे ना चार आदमी, अरे चार आदमी होते मतलब 10,000 लोगों को चार ले जाके शक्ति प्रदर्शन करे थे, स्वाभाविक पीड़ा थी। सौरभ जी आज भी लखनऊ में आत्मदाह हुआ, 3 दलित बेटियों के बेटियों पे जो तेजाब डाला गया, उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां हैवानियत हो रही है, दरिंदगी हो रही है, और इस दरिंदगी और हैवानियत के खिलाफ भीम आर्मी और राजा समाज पार्टी के नेतृत्व में उनके बैनर तले ये देश में जनाक्रोश उमड़ रहा। बिल्कुल, इंद्रजीत जी ये बताइए, किसान स्वाभिमान लोकतंत्र बचाओ रैली भी आप लोग कर रहे हैं, कृषि बिल पे भी आप लोग सरकार को घेरे हैं, लेकिन आपको समर्थन तो किसानों को बहुत ज्यादा मिल नहीं रहा है। इंद्रजीत जी, किसान भाइयों को, हमारे बुजुर्गों को, 70-80 साल के बुजुर्गों को थाने का SHO कप्तान फोन करके हड़का रहे कि आप इस रैली में मत जाइए। अरे जब आप सब ठीक कर रहे हैं तो आपको क्या डर रहा है? रैली में अगर वो जाना चाह रहा है तो आप क्यों रोकना चाह रहे हैं? अरे हमें देखो, ये कई बार कई चीज होती है वोट से जुड़ी हुई नहीं होती है, सम्मान से जुड़ी हुई होती है। आदरणीय जयंत चौधरी भी एक बहुत बड़े परिवार के सदस्य हैं, पूर्व सांसद हैं, और किसान से तो हमारा पुराना रिश्ता है, किसान की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, हर जाति का। अरे इंद्रजीत जी, एक वक्त था जब यूपी में आपकी जाति बोलती थी, किसान ही करता है, लेकिन अब आप अपनी सीट भी हार जाते हैं, बड़े बड़े नेता आपकी सीट हार जाते हैं। देखिए, ये सरकार की लाठी थी, हम हार गए, ये आप क्या हारने से क्या, ये बीजेपी 2 सीटों से चली थी, 8-9 सीटों से लेकर ये सत्ता में बैठी है, तो फिर हमें तो डर के घर जाना चाहिए, हमें तो फील्ड में जानी नहीं चाहिए। ये सत्ता आनी जानी है, ये प्रॉब्लम कभी किसी एक में भी नहीं, पिछले 70-75 सालों में बीजेपी के पास अभी तो आज आया है, इससे पहले तो सारी जिंदगी में विपक्ष में रहे, तो ये कोई पैरामीटर नहीं है, ये जनता है, जनता सब समझती है। नरेश भाई जी, यूपी में आप कमजोर हो रही है। सौरभ जी, जयंत जी जो रैली कर रहे हैं उसका नाम किसान स्वाभिमान और लोकतंत्र बचाओ रैली है कर रहे हैं। अब आप ये मुझे बताओ, इसमें किस किसान के लिए वो ये रैली कर रहे हैं? वो रैली तो अपने व्यक्तिगत मुद्दे के लिए कर रहे हैं कि पुलिस ने उनको लाठी मारी। ये किसी किसान, किसी जाट, किसी नेता के पे अत्याचार हुआ हो उसके लिए खड़े हुए हो, किसानों की मांगों के लिए कभी खड़े हुए हो, इनको लाठी पड़ गई, इनके अपने व्यक्तिगत स्वाभिमान को ठेस पड़ रही है, उसमें ये किसानों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जाटों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए सौरभ जी ये देखिए, किन लोगों के साथ गठबंधन किया है, मौका दूंगा, मुझे बोलने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, इन्होंने जिन लोगों के साथ गठबंधन किया है और जिन लोगों को मंचासीन किया, वो लोग मुजफ्फरनगर दंगों में जिन्होंने जाटों को मरवाया, जाटों पे गोलियां चलाई, उनमें नाम जाने उनको मंचासीन कराया हुआ है, तो जाटों में तो इससे बहुत ज्यादा रोष है। मेरी बहुत लोगों से बात हुई है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मैं भी यही रहता हूँ, जाट बहुत नाराज हैं और वो ये कह रहे हैं अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को वो किसानों और जाटों की बता के लड़ रहे हैं।
नहीं, ये भीड़ कहाँ से आ रही है? क्या किसी रैली वाले को किसी को हमने संसाधन दिया क्या? उसे कोई मैया कराई हो? अरे ये मत बताइए भीड़ कहाँ से आ रही है, दुनिया को बताए भीड़ कहाँ से आती है, ये प्रश्न ये मत बताइए। अगर इतनी भीड़ आ रही है, इतनी भीड़ आ रही है तो पता लग जाएगा बुलंदशहर चुनाव में, पता लग जाएगा बुलंदशहर के चुनाव में कितनी भीड़ आ रही है। मैं आप भी पीछे नहीं है, मुंबई की तस्वीरें देख लीजिए बिल्कुल। सतपाल जी आप ये बताइए, बीजेपी नेता ने भी कहा कि आप लोगों को किसानों से मतलब नहीं है, लोकतंत्र बचाना नहीं है, आपको बस अपनी छवि चमकानी है, इसलिए 10-10 हजार की फौज लेके चलते हैं अपने साथ। किसको हमें छवि चमकानी है? ये जनाक्रोश है, जनाक्रोश जो पहले तो मैं नरेश जी से कहना चाहता हूँ, आप ये साबित करना चाहिए, सही ठहराना चाहते हो कि किसी को भी कोई मिलने जाएगा पीड़िता से और उस पर आप लठ बजा दो? क्या इस बात के समर्थक आप? इस फांसीवाद के समर्थक आप? पहले इस बात का जवाब देना नरेश जी। सतपाल जी, सतपाल जी आप देखिए, लाठी मारने को जायज ठहरा रहे हो आप, और आप वहाँ 10,000, 5,000, 3,000, 2,000 जिस तरह की कानून व्यवस्था खराब है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, किसान अत्याचार हो रहा है, करोड़ों लोग उतरने भी जाएंगे। और भाई संख्या के राजा ने आराम किया, अभी तक कृषि विधेयक पर कृषि विधेयक पर जब विवाद चला हुआ है ना, आप लोग आप लोग किसानों के दुश्मन हो, किसानों के खिलाफ जो कानून बनाते हो उसका लेकर आई अभी तक सारा हो गया की एस सी एस आपके बीमारी के लोग आर्मी गए तब पता चला आपको करोड़ों में राहुल गए एक बार। कब उतरेंगे सतपाल जी, कब उतरेंगे? तैयारी कर रहे हैं हम, जरा बुलंदशहर से निपटना, हमारे हम भी प्रत्याशी लड़ा रहे हैं, पता चल जाएगा। नहीं कब पता चलेगा सर, ये बताइए कृषि बिल की आप लोग बात करते हैं, सुनिए हरियाणा का किसान चाहे पंजाब का किसान है वो सड़कों पर है लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। भाई किसानों को भड़काने की कोशिश करें, मतलब झूठा तैयार हो रही है क्या पीछे से, जैसे आपस में तैयार की गई थी हमारे? नहीं कोई ये झूठा आरोप है, बिल्कुल क्या तैयार की गई, मतलब बहन के साथ जो अत्याचार होगा उसके लिए खड़े होंगे तो हम तैयार हो रही है, फौज तैयार हो रही है तो सड़कों पे तो नहीं दिखाई दे रही है ना, जिस तरह से पंजाब में दिखाई दे रही है, हरियाणा में दिखाई दे रही है लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई दे रही है सर। अभी दलित उत्पीड़न की जितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश का किसान हो रही है पहले उस पर जब जो जो मर्ज ज्यादा कड़वा है, जो मर्ज ज्यादा गहरा है पहले उसका इलाज किया जा रहा है, और उसके साथ साथ आप ट्वीट देखिए, आप बयान देखिए भाई चंद्रशेखर आजाद के, अगर अध्यादेश का इलाज करने के लिए और आपकी पार्टी के लिए हो सकता है ना, अगर किसान परेशान होता तो वो सड़कों पे उतरता, पंजाब का उतरा हुआ है तो यहाँ भी उतरेंगे, यहाँ भी उतरेंगे हम लोग, जाएंगे ना दिल्ली में कर दी गई, ये कहें ना कि आप उसकी रूपरेखा तैयार करें इस अपने काले के लिए, इस काले कानून को जवाब देंगे, इस काले कानून को जो किसानों का यही पूछ रहा हूँ दलित हितैषी पार्टी से कि अभी 3 दिन पहले दिल्ली में हत्या की गई दलित युवक की, वहाँ गए चंद्रशेखर रावण वहाँ पे गए, जरा सतपाल जी बता दीजिए आपके लिए वहाँ गए थे आप लोग? देखिए जहाँ 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 अत्याचार होता है, आप ये कह के नरेश जी बच नहीं सकते हो कि वहाँ नहीं गए, वहाँ नहीं गई, जो अत्याचार होता है उसके आरोप बता दीजिए, हाथरस की घटना के आरोप बता दीजिए, जिस तरह से डाइवर्ट किया गया सारे मामले को, जज को डाइवर्ट किया गया, पूरी पुलिस का इस्तेमाल किया गया, दिल्ली की बात बहन के अत्याचार को और बलात्कार को घिनौनी हरकत हुई है, हैवानियत हुई है, उसे दबाने के लिए पुलिस का प्रशासन का पूरे मामले को डाइवर्ट करने का काम किया गया। क्या आप लोग हाथरस के अलावा आप मुझे बताओ कहाँ गए? हर जगह जाते हैं, बिहार भी गए, बिहार भी गए, राजस्थान भी गए, मध्य प्रदेश भी गए, जहाँ जहाँ अत्याचार होगा वहाँ जाएंगे। लेकिन अभी आप अजीब लगता है कि वहाँ क्यों नहीं गए? आप कितनी जगह गए आप बताना? इसीलिए राजनीतिक रूप आप बलात्कार कराओगे, हैवानियत कराओगे, काम ही आप बलात्कार और हैवानियत कराओगे और हम होती है, और सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार की कोई यह जिम्मेदारी है सरकार की? सरकार आपके कहने से यही मतलब निकलता है नरेश जी, सरकार ने उन लोगों को आपके कहने का मतलब यही निकलता है, आप ये जो व्यभिचार हो रहा है, ये जो गदरिंद की हो रही है, हैवानियत हो रही है, आप इसका समर्थन करते हैं, आपका कहने का मतलब ये निकलता है। सरकार सरकार हुकूमत की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी है, एसआईटी जांच हमारी हमारी जिम्मेदारी आवाज उठाना, हम सड़क पर उठाए, ट्विटर से उठाए, फेसबुक से उठाए, हमारे लोग उठाए, प्रतिनिधिमंडल उठाए, हमारी जिम्मेदारी हमने बात उठाइए, हमारी जिम्मेदारी आवाज उठाना, पार्टी बनती है आपका, आपकी जिम्मेदारी आपके लिए करना नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है घटनाओं को रोकना, और ये आपको स्वीकार करना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज है उसमें आप भारतीय जनता पार्टी को उसको उसका एहसास नहीं है अभी तक,
जंगल राज आपको अभी दिखने लगा, इससे पहले जंगल राज नहीं था? जब जब था जब खुलेआम लूट हो रही थी, खुलेआम अफसर 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 खुलेआम हो रही थी तो आप भी कराओगे? नहीं पहले हो रही थी तो आप भी कराओगे? नहीं नहीं एक बार आपके पास आते हैं सबसे ज्यादा योगी सरकार ने सबसे ज्यादा अधिकारियों पे कार्रवाई की है। एक बात बताइए इतिहास है मेरे तारे कोई ना बैठे हैं सबसे ज्यादा कार्रवाई हो चुकी है उनमें आईएएस आईपीएस के सामने। एक मिनट तरे जी, इंद्रजीत सिंह से मेरा सवाल है, आप ये बताइए कि जिस तरह से सत्यपाल चौधरी कह रहे कि किसानों की रैली हम कराएंगे, बड़ी संख्या में करोड़ों की संख्या में किसान उतरेंगे, सर आपके तो किसान स्वाभिमान रैली, किसान लोकतंत्र जो बचाओ रैली कर रहे हैं बराबर आप लोग कर रहे हैं, क्या आप क्या कहेंगे? देखिए किसानों का साथ तो आपको भी नहीं मिल रहा है ना। देखिए बात की बात है कि जो हाथ करने में तो आज सीखे और पढ़े लिखे वो फारसी क्या जो मैं सीख पाया हूँ तो क्या जबरदस्ती किसानों को नाराज कर रहे हैं? अगर वेस्ट यूपी का अगर उत्तर प्रदेश का किसान नाराज नहीं है तो किसान को कैसे नाराज करेंगे जबरदस्ती? क्योंकि आपको अपनी राजनीति चमका है, किसान परेशान है, किसान के साथ ये धीम दस्ती है, जो 3 बिल ला दिए गए वो 3 बिलों का सारी जिंदगी नहीं भुगत पाएगा मेरा किसान भाई, ये प्राइवेट हाथों में चली जाएगी। किसान अपनी फसल के पैसे पहले भी विपक्ष में बैठे हैं, उपचुनाव होने वाला है, इसलिए किसान बिल का विरोध करना है क्या? इसलिए समझ नहीं पाया मैं आपकी बात। मैं पूछ रहा हूँ विपक्ष में बैठे हैं, उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, 2022 का जो मैदान है वो भी तैयार हो रहा है, इसलिए विरोध करना है क्या सिर्फ कृषि बिल का? देखिए बात ये है, ये तो चुनाव वो चलते हैं, कभी विधानसभा का आएगा, कभी लोकसभा का आएगा, कभी जिला पंचायत का आएगा, तो क्या पार्टियां एक बार चुनाव हारने के बाद या हार जीत होने के बाद अपने घर में? लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे उठाएगी ना, अगर किसी बिल पे किसान नाराज नहीं है, दस चुकी का किसान नाराज नहीं है, तो अगर आप उस मुद्दे को उठाएंगे भारी रहेंगे ना? आप कह सकते हो नाराज नहीं कैसे कह सकते हो? मैं आपको 2 दिन पहले का एग्जांपल देता हूँ, बहुत ज्यादा बातें नहीं कहता, अभी गाजियाबाद के एक सरकारी हॉस्पिटल में 101 साल की महिला मेरी बुजुर्ग मां गई और वो बाहर बैठी रही, उसको चेयर भी उपलब्ध कराई गई, मैंने सीएम योगी जी को, चीफ सेक्रेटरी यूपी को मैंने टैग करके ट्वीट करा कि क्या आप दावे लंबे लंबे करते हैं और ये क्या अत्याचार हो रहा है कि आपकी 101 साल की महिला हमारी माता पार्टी राज और निरख निरख के जो गई उसे चीन कहती रही हॉस्पिटल के मेरे को अंदर जाने के लिए व्हील चेयर उपलब्ध करा दो। क्या आप गाजियाबाद में हमारे शांति नगर में? सतपाल जी अभी आपने कहा कि किसान नाराज नहीं है, आप कैसे कह सकते? नाराज है तो सड़कों पे किसान धरेंगे, आप कह रहे कि हम प्यार करेंगे करोड़ों किसान उठेगा, देखिए सर आपके तैयार करने की जरूरत क्यों आएगी? सर तैयार इसलिए आएगी करने की किसान भूला है, हमारे सामने उदाहरण है बिहार का 2006 में जिस काम एक मिनट किसान को भूला कह के अपनी राजनीति मत चमकाइए। किसान सर सुनिए 2014 के बाद लैंड बिल पे किसान सड़कों पे उतरा था, सरकार ने पैर वापस खींचे, कृषि बिल पे ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ संसद में हुआ किसान को 2013 का जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम था उसको 3 बार बीजेपी ने असफल कोशिश की बदलने की ताकि किसानों की जमीन छीनी जा सके, वो संसद में हंगामा हुआ नरेश बसल जी और राज्यसभा में और राज्यसभा में चुके बिल्कुल सतपाल जी भूमि अधिग्रहण हमारे पास बीजेपी के नरेश बसल से मेरा सवाल है, आप ये बताइए वेस्ट उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आरएलडी प्रदर्शन कर रही है, लोकतंत्र बचाओ रैली कर रही है, क्या जवाब में देंगे आप, क्या करेंगे, कैसे क्या जवाब होगा आपका आरएलडी को? मैंने देखिए आपको पहले भी कहा ये कोई लोकतंत्र बचाओ और किसान स्वाभिमान रैली नहीं है, ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को वो जाटों और किसानों के ऊपर थोप रहे हैं, और किसान और हमारे जाट नेता जानते हैं, वो इस बात को भी जानते हैं कि आप मुजफ्फरनगर जब दंगे हो रहे थे, जब जाटों पे अत्याचार समाजवादी पार्टी सरकार कर रही थी, गोली मरवा रही थी, आप कहां थे? आप अपने फार्म हाउस में बैठे हुए चाय पी रहे थे, और उसके बाद आपने क्या किया? उसी समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया, और उसके बाद क्या किया? अब उन्हीं मंचों पे उन्हीं स्वाभिमान रैली में आप उन लोगों को बिठा के महिमा मंडन कर रहे हैं। अभी देखिए मथुरा की रैली में क्या किया, जो जाटों के महान सुधारक रहे और महान बिल्कुल उनकी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो जिस तरह से जयंत चौधरी पे लाठी चार्ज हुआ उसके बाद
ये कहा गया कि जाट समुदाय नाराज है, अब उसी को बनाने की कोशिश है, लेकिन देखना यह होगा क्या जो नाराजगी है वो उत्तर प्रदेश में जो 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है उसके नतीजों में दिखती है या नहीं दिखती। देश और दुनिया की हर खबर को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।